हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स। मैं हूं प्रियंको, आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही बिग बिग जो यूट्यूबर हैं, उन लोगों का वीडियो बहुत ही जल्दी रैंक हो जाते हैं और उन लोगों का वीडियो पे बहुत सारा व्यूज आते हैं। लेकिन आप जब भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि अपलोड करते हैं, तो उस टाइम आपका वीडियो पे रैंकिंग नहीं होते हैं, मतलब आपका वीडियो रैंकिंग नहीं करते हैं और आपका वीडियोज पे इतना ज़्यादा व्यूज नहीं आते हैं उन लोगों का जैसा। तो उन लोगों का वीडियो पे क्या है, उन लोगों का वीडियो का सीक्रेट क्या है, तो उसको जानने के लिए और आपका वीडियो को रैंकिंग बहुत ही फास्टली करने के लिए मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स देने वाला हूँ। मैं एक टूल्स के बारे में बताऊंगा, यूट्यूब का जो हेल्पफुल बहुत ही अच्छा टूल्स है, जैसे ट्यूबबडी है वैसी तरह एक और एक है जो है VidIQ, जो बहुत ही पुराना है। तो बहुत ही एक्चुअली बहुत ही नहीं है, तो थोड़ा पुराना है, ट्यूबबडी से पहले वो VidIQ था। तो उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और ट्यूबबडी में अभी देखिए कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारा टूल्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपको कुछ पेड करना पड़ता है, मतलब पेड वर्जन अगर होगा आपका अकाउंट तो उसके बाद ही आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही है, VidIQ भी ऐसे ही है, आपको पेड करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है आपके अकाउंट को। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ हद तक आपको बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। तो क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी है और कैसे इसको यूज़ करना है आपको, तो इसका पूरा रिव्यू मैं इस वीडियो पे देने वाला हूँ। तो प्लीज़ कीप वाचिंग दिस वीडियो एट द एंड। फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल है वहाँ पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करने से मेरा अपकमिंग जो वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मेल पे जरूर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, VidIQ का जो विजन है, विजन जो टूल्स है वो बहुत ही अच्छा टूल्स है, यूट्यूब के लिए बहुत ही अच्छा है। VidIQ यूट्यूब का जो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है विजन का, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो उसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं मेरे कंप्यूटर में जाता हूं और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो जंप टू माय PC। आपको क्या करना है, आपको vidiq.com/app/vision, तो ये जो URL है इसमें आपको जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और आप क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम अगर ब्राउजर है तो वहाँ पे जाके आप आपका जो यहाँ पे जाने के बाद आपका यहाँ पे मोर टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन जो है यहाँ पे जाने के बाद आपका यहाँ पे जो गेट मोड एक्सटेंशन जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ पेस्ट करना है VidIQ। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो VidIQ विजन फॉर यूट्यूब यहाँ पे आ गया है, और इसको ऐड टू क्रोम यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन करना है, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है VidIQ का। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, तो साइन इन टू क्रोम यहाँ पे बोल रहे हैं गेट एक्सटेंशन और योर कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे VidIQ का आइकन मेरा यहाँ पे चला आया है। तो यहाँ पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे VidIQ का आपका लॉगिन करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है शॉर्टकट के लिए, और यहाँ पे आपका पूरा जितना सारा आपका ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स डाल के यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका जो देखिए यहाँ पे जितना सारा आपका ऑप्शन है वो सब एक्टिव हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे होम, डैशबोर्ड, अपलोड, मतलब आपका यूट्यूब में जो जो रहते हैं वो सभी यहाँ पे चला आया है। और ट्रेंड अलर्ट्स यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि एक नया डायलॉग बॉक्स खुल गया है यहाँ पे। ऑथर योर चैनल, यू मस्ट ऑथर योर चैनल विद VidIQ क्रिएट ट्रेंड अलर्ट्स। और अगर आप कोई भी वीडियो आप सर्च करते हैं तो आपको क्या दिखाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप आपका मतलब कोई भी बिग यूट्यूबर का आप कैसे आप उसका डेटा पूरा निकल सकते हैं इसमें। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक फोटोग्राफी का वीडियो जो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और इसके बाद देखिए यहाँ पे वीडियो को ओपन होने दीजिए पहले, तो यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ इस वीडियो को। और उसके बाद देखिए यहाँ पे VidIQ का देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे चलाया है, बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे है, आप मतलब बहुत सारे डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है बहुत सारा। देखिए यहाँ पे ट्वीट कौन कौन किया है, यहाँ पे ट्वीट जो है बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये। यहाँ पे कौन कौन ट्वीट किया है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है देखिए यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए और एक है जो है हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपडेट करने के लिए। तो ये अभी मेरा मतलब अपडेट अगर करेंगे आपका अकाउंट को, अगर पैसा देके अपडेट करेंगे तो उसके बाद आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो और यहाँ पे देखिए स्टेटस जो है बहुत ही अच्छा है। स्टेटस में देखिए यहाँ पे ओवरव्यू दिखा रहा है, यहाँ पे 100 के अंदर आपका मतलब कितना यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे VidIQ का स्कोर 71.3, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रैंकिंग हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे व्यू पर आवर यहाँ पे कितना हो रहा है, और यहाँ पे देखिए टोटल व्यूज कितना हुआ है, एंगेजमेंट कितना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूट्यूब का एंगेजमेंट कितना हुआ है उसका, तो यहाँ पे देखिए 99.8% इसका एंगेजमेंट है।
इसका लाइक रेशियो देखिए यहाँ पे, लाइक यूट्यूब शेयर, ठीक है, यूट्यूब डिसलाइक सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। और सबसे अच्छा जो चीज़ है इसका, बढ़िया चीज़ में मेरे को जो बहुत ही अच्छा लगा वो है एक इसका SEO। SEO यहाँ पे देखिए SEO का स्कोर कितना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन वर्ड्स काउंट, मतलब यहाँ पे जो वर्ड का काउंट हुआ है, ठीक है। और क्रिएटर सजेस्टेड, मतलब सजेस्टेड व्यूज कितना हुआ है, मतलब सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, डिसलाइक लाइक्स, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे ऑप्शन से। सबसे अच्छा जो चीज़ है देखिए यहाँ पे एम्बेड एरिया, मतलब कहाँ पे शेयर हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब जो URL है वहाँ पे आपका शेयर हुआ है, तो यहाँ से भी आप बैकलिंक कर सकते हैं, कहाँ पे बैकलिंक हुआ है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको मतलब यहाँ से आपको निकल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उस बैकलिंक को, ठीक है। लेकिन स्पाम मत कीजिएगा, ठीक है, तो अगर स्पैमिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ से अगर देखते हैं कि अच्छा है, आपका टॉपिक के ऊपर है, तो आप उसके बाद ही यहाँ से आप बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे वीडियो टैग्स, मतलब जो वीडियो में जो टैग्स यहाँ पे यूज़ किया है, चैनल में जो टैग्स है उसका सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। और इसका टैग देखिए कौन सा रैंकिंग हुआ है, कौन सा नंबर पे है, मतलब 3 नंबर पे है ये इसका रैंकिंग में, तो ये कमर्शियल, तो ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाउनलोड CSV एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे अटैच कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मतलब आप उसको कॉपी कर सकते हैं इस टैग को। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही अच्छा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और जो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे देखिए कमेंट्स का जो फिल्टर सेक्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो एक्चुअली आपको यूज़ करना है कहाँ पे, आपका जो कमेंट सेक्शन है, जो देखिए यहाँ पे VIQ में जाएंगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपका जो कमेंट सेक्शन वो खुल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हैश रिप्लाइज, देखिए डज नॉट हैव रिप्लाई। देखिए यूट्यूब ट्यूबबडी का जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। एडवांस में जब जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको आपको पहले अपग्रेड करना है उसका अकाउंट को, तो उसके बाद ही आपको मिल सकते हैं। तो लेकिन ये जो VidQ है, VidQ में बहुत सारा मतलब फ्री में आपको दे रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन, जैसे कि इसका सब्सक्राइबर जो है वो ट्यूबबडी भी बोलते हैं, इसका सब्सक्राइबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक टूल्स है, यहाँ पे आप न्यू कमेंट्स यहाँ से आप सेव करके रख सकते हैं, न्यू करके आप यहाँ पे कोई भी कमेंट्स लिख के रख सकते हैं, जैसे कि थैंक यू, ठीक है, यहाँ पे थैंक्स या कुछ भी लिख के रख सकते हैं, यहाँ पे थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, ऐसा कुछ लिख के आप यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हैं, तो टेम्पलेट सेव करके रख सकते हैं। कमेंट लिखने का मतलब टाइम आपको बच जाएगा, बहुत सारा कमेंट्स का रिप्लाई देना पड़ता है, तो इसीलिए आपका कमेंट्स का अगर टाइम थोड़ा बच जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, तो इसीलिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और VIQ में रजिस्टर करने के बाद आपको एक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कन्फर्मेशन, यहाँ पे आपको अकाउंट जो है, अपने अकाउंट जो क्रिएट किया है उसको कन्फर्म करना पड़ेगा यहाँ से। और उसके बाद आपको यहाँ पे और एक मेल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट विद YouTube, तो YouTube आपका जो चैनल है उसके साथ आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिया जाएगा, और उस डैशबोर्ड में आपको जाके आपका पूरा चैनल का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मेरा पहले से ही किया हुआ है, और ऊपर में देखिए यहाँ पे एनालिटिक्स आपका शो कर रहा है, यहाँ पे वीडियो शो कर रहा है, वीडियोज़ में क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियो शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे शो कर रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर्स जो है, सब्सक्राइबर्स यहाँ पे दिखाएगा, तो पूरा देखिए SEO है। और यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटर जो है वो शो करेगा, और यहाँ पे अगर अपग्रेड करना चाहता हूँ तो यहाँ से अपग्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कितना व्यू हुआ है, कितना आपका लाइक्स मिला है, कितना कमेंट्स आया है, ठीक है, पूरा यहाँ पे आपका एनालिटिक्स, यहाँ पे वीडियो देखिए, वीडियो IQ का जो स्कोरिंग है, तो स्कोरिंग कितना हुआ है, तो मेरा मैं अभी किया हूँ तो इसलिए यहाँ पे स्कोरिंग ब्लैंक दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए टैग्स कौन, मतलब किस पे कौन सा, मतलब कितना टैग्स यहाँ पे लगाया है, तो सब यहाँ पे शो करेगा, और कौन सा डेट पे अपलोड हुआ है वो सब शो करेगा, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई भी वीडियो को, मतलब एक सिंगल वीडियो को अगर आपको मतलब उसको देखना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे उस वीडियो का जो आपका स्कोरिंग है, क्या आपका जो लाइक्स है, डिसलाइक है, कमेंट्स है, सब कुछ यहाँ पे आपका दिखाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एम्बेड कोड आपको मिल जाएगा, सोशल एम्बेड कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैनेज कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो और मैनेज ट्वीट कर सकते हैं, मतलब ट्विटर पे जो शेयर कर रहे हैं उसको ट्वीट कर सकते हैं, और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडिट सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह जितना सारा आपने दिया है वो सब यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका चैनल को बूस्ट भी कर सकते हैं, तो इसके लिए पैसा लगेगा, तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ आपको,
तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ इस टूल से आपको इन फ्यूचर में बहुत सारे हेल्प मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बिग थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को इस टूल्स के बारे में। तो अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है इस टूल्स के बारे में तो प्लीज़ मेरा वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपका साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।